अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्लड लाइन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस WWE में ब्लड लाइन के फ्यूचर को लेकर हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के रेसलमेनिया पर रोमन रेंस के टाइटल को हार जाने के बाद रोमन रेंस WWE के टीवी से गायब चल रहे गए, और रोमन रेंस के इसी एब्सेंट के ऊपर सोलो सकोवा जहां WWE के न्यू ट्राइबल चीफ बन चुके गए, तो वहीं ब्लड लाइन के अंदर से जिमी उसो को ऑफिशियली बाहर कर दिया गया है। और अब यहां पर न्यू ब्लड लाइन के अंदर तमा तोंगा, तोंगा लोआ और WWE सुपरस्टार जेकब फातू जैसे रेसलर ब्लड लाइन के अंदर शामिल हो चुके गए। और अब यहां पर ब्लड लाइन में पॉल हेविन के टर्न होने के बाद WWE के अंदर रोमन रेंस समर स्लैम के ऊपर रिटर्न करने वाले गए, और WWE के समर स्लैम के एंडिंग के ऊपर रोमन रेंस और सोलो सकोवा की वर्ल्ड टाइटल मैच के बाद हमें यहां पर शो के एंडिंग पर रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलेगा, जहां पर रोमन रेंस पॉल हेविन के साथ वापसी करेंगे और वो यहां पर समर स्लैम के एंडिंग के ऊपर रिंग के अंदर आकर सोलो सकोवा को कन्फ्रंट करने वाले गए। और इसके बाद यहां पर ब्लड लाइन के अंदर हमें यहां पर सिविल वॉर देखने को मिलेगा, जहां पर इस सिविल वॉर के अंदर करंटली यहां पर इस चीज के बहुत ही हाई चांसेस है कि जेकब फातू पॉसिबली यहां पर सोलो सकोवा पर टर्न करेंगे और वो यहां पर रोमन रेंस के ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो गाइस वहीं इस चीज के भी तगड़े चांसेस है कि WWE के अंदर यहां पर तमा तोंगा के ब्रदर हिको लियो यहां पर न्यू ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे, और इसके बाद न्यू ब्लड लाइन वर्सेज ओल्ड ब्लड लाइन के बीच में हमें यहां पर सिविल वॉर देखने को मिलेगा, जहां पर सोलो सकोवा के ब्लड लाइन के अंदर तमा तोंगा, तोंगा लुआ और हिको लियो होंगे, तो वहीं रोमन रेंस के ब्लड लाइन के अंदर हमें यहां पर पॉसिबली रोमन रेंस, उसो और जेकब फातू देखने को मिलेंगे। मतलब ये तो समर स्लैम पर ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली ब्लड लाइन में क्या होता है। बट गाइज, आप लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे।